सोमवार को युवक कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र सांगौद के तत्वावधान में उपखंड अधिकारी कार्यालय सांगौद के सामने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सांगौद के अध्यक्ष कुशल पाल सिंह जी पानाहेड़ा के मुख्य आतिथ्य में किसान आंदोलन के समर्थन में एक धरने का आयोजन कर ज्ञापन दिया गया। धरने में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कथित किसान विरोधी काले कानूनों के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान संबोधित करते हुए युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सीपी नागर चतरपुरा ने कहा कि किसान विरोधी काले कानूनों से सरकारी मंडियों पर बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अडानी अंबानी का कब्जा हो जाएगा और वो किसानों की उपज को मनमाने दामों पर खरीदेंगे जिससे किसान गर्त में चला जाएगा। जिस तरह से पूरे देश में मोदी सरकार द्वारा जो कृषि बिल लाए गए थोपे गए हैं उसका पूरा हिंदुस्तान के किसान एकजुट होकर जिस तरह से उनका विरोध कर रहे हैं, आज उसी कड़ी में सांगौद में भी यूथ कांग्रेस द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लगभग दो महीने से लाखों किसान बॉर्डरों पर पड़े हुए हैं लेकिन ये गूंगी बहरी मोदी सरकार के जूं तक नहीं रेंग रही है। अब धीरे धीरे इस आंदोलन की आग एक गांव ढाणी में बसे हुए किसान तक पहुंच चुकी है और अगर मोदी सरकार आज अब भी होश में नहीं आती है तो आने वाले समय में इन भाजपा के जो कार्यकर्ता और नेता है उनको किसान अपने गांव में घुसने नहीं देगा। जिस तरह से वहां 70 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है और मोदी अपनी मदहोशी में गायब मस्त है, अपनी घमंड के ऊपर वो बैठे हुए हैं, पूंजीपतियों के दबाव में पूरी सरकार चल रही है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और आने वाले समय में हम इस आंदोलन को और भी उग्र करेंगे। मौका है तो चाहे अनशन करना पड़े, चाहे हमें धरने पर बैठना पड़े, लगातार निरंतर हमारी कांग्रेस कमेटी पूरे किसानों के साथ है, यहाँ का नेतृत्व तो भरत सिंह जी पूरे किसानों के साथ है, पूरी कांग्रेस दमखम से किसानों के साथ है। आज किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया आपने? आज मेन इशू हमारा जो मोदी सरकार द्वारा जो तीन कृषि बिल थोपे, काले कानून थोपे गए किसानों के ऊपर, उसको विरोध और उनको हटाने के लिए एकजुट होकर कांग्रेस यूथ कांग्रेस ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है, उसके बैनर तले हमारा प्रदर्शन हुआ है। और पिछले कुछ दिनों यहाँ के जो विधायक थे, पूर्व विधायक हीरा लाल जी, जिस तरह का बयान एक हमारे हाड़ौती नहीं राजस्थान में जिस आदमी को ईमानदारी के दम पे जाना जाता है, अपने सिद्धांतों के लिए उनको नेशनल लेवल पे अवार्डेड मिला हुआ है, ऐसे आदमी के लिए जिस तरह के अंदरगल बयान दिए गए। कुछ दिन पहले मदन जी दिलावर जो रामगंज मंडी के विधायक है उनके द्वारा किसानों को आतंकवादी बताया गया, उसके हम घोर निंदा करते हैं। अगर इस तरह की अपनी बयानबाजी से भाजपा के नेता इस तरह से बाज नहीं आए तो हम कहते हैं कि इनको गाँव में क्या घरों में घुस के मारे कि पब्लिक कैसा समय आने वाला है। आज जिस प्रकार जो भारत सरकार के द्वारा जो कानून लाए गए कृषि कानून, जो किसानों के लिए डेथ वारंट है उनको हम वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से मांग करते हैं और किसानों के लिए समर्थन करते हैं कि भाई उन्होंने जो मांग रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको हम यहाँ जो बैठे हैं जो वहाँ पर किसान 70 किसान मर चुके हैं उन लोगों को हम श्रद्धांजलि, शहीद हो चुके हैं उनको श्रद्धांजलि दे अर्पित की हमने और कानून को वापस लेने की मांग की। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।